नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के बारे में ताजा अपडेट लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, ताजा अपडेट इसलिए बोल रहे हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि केबीसी का जो लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है उसके बारे में तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। केबीसी के 15वें सीजन के आखिरी एपिसोड में अविनाश भारती और शीला देवी भी मौजूद थे। जब केबीसी का लास्ट एपिसोड यानी 100वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तब अमिताभ बच्चन ने इसे एक ऐतिहासिक एपिसोड करार दिया, क्योंकि पहली बार केबीसी के मंच पर कोई रोल ओवर कंटेस्टेंट बैठा था जो 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब का सामना करने को तैयार था। और वाकई में ये एक शानदार एपिसोड था। ग्रैंड फिनाले के फाइनल एपिसोड में विद्या बालन, शर्मिला टैगोर और सारा अली खान भी नजर आई। इस एपिसोड में विद्या बालन ने अमिताभ बच्चन का जया बच्चन के बारे में बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया, तो वहीं शर्मिला टैगोर ने जया बच्चन के द्वारा दिए गए अपने उपनाम रिंकू दी का खुलासा किया। दूसरी ओर सारा ने केबीसी पर अपने बचपन की यादें ताजा की और शो में अपना सिग्नेचर नॉक नॉक जोक भी सुनाया। यूपी के रहने वाले अविनाश भारती ने अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर इस गेम को शानदार बना दिया। हालांकि वो 1 करोड़ रुपए का सवाल का जवाब देने से चूक गए। अविनाश इससे पहले खेल के दौरान अपनी सारी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए 50 लाख रुपए जीत चुके थे और इसके बाद जब अगले दिन यानी 29 दिसंबर को खेल शुरू हुआ तो अमिताभ बच्चन ने अविनाश के सामने 1 करोड़ रुपए का सवाल रखा। अब इस दौरान अविनाश के पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची थी और इस सवाल का जवाब देना अविनाश के लिए आसान नहीं था। अगर वो गलत जवाब देते तो 50 लाख से गिरकर 3,20,000 पर पहुंच जाते। 50 लाख की रकम अभी तक वो जीत चुके थे और अगर उनका जवाब सही हो जाता तो वे यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत जाते। और फिर जब उन्हें अपने जवाब पर कॉन्फिडेंट नहीं था तब उन्होंने गेम से क्विट करना बेहतर समझा और इस तरह से 50 लाख रुपए जीतकर अविनाश भारती ने इस गेम को शानदार बना दिया। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा ऐसा सवाल था जो 1 करोड़ रुपए का सवाल अविनाश भारती से पूछा गया था। दोस्तों, ये सवाल केबीसी के 15वें सीजन का आखिरी वो सवाल था जो 1 करोड़ रुपए के लिए पूछा गया था। सवाल था, भारत में जन्मा 15 वर्षीय लड़का कौन था जिसे सर्वोच्च ब्रिटिश सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्लास का सबसे कम उम्र का प्राप्तकर्ता माना जाता है। ऑप्शन ए एंड्रयू फिट्ज़गिबन, बी फ्रांसिस फिट्ज़पैट्रिक, सी रिचर्ड फिट्ज़गेराल्ड और डी चार्ल्स। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एंड्रयू फिट्ज़गिबन। और इसी सवाल के जवाब पर अविनाश भारती ने गेम से क्विट किया और इसके बाद गेम में विद्या बालन, सारा अली खान और शर्मिला टैगोर आते हैं। दोस्तों, केबीसी के ग्रैंड फिनाले में शीतला देवी भी आती हैं, जिनके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। केबीसी के ग्रैंड फिनाले की हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन शीतला देवी के साथ केबीसी की हॉट सीट पर बैठी थी और अमिताभ बच्चन के सामने उन्होंने केबीसी का गेम खेला। इस गेम के बारे में हम पूरी जानकारी आपको अपने अगले वीडियो में पहुंचाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सारा अली खान अपनी दादी के साथ शर्मिला टैगोर के साथ जब केबीसी की हॉट सीट पर बैठी तब उन्होंने कौन कौन सी यादें अमिताभ बच्चन के साथ शेयर की। तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अमिताभ बच्चन को शुभकामनाएं जरूर दें। आप सभी के लिए नव वर्ष नई उमंग नई सफलताएं लेकर आए। हमारी तरफ से सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।